वित्त मंत्री ने नहीं भरा फोन का बिल, बीएसएनएल ने काट दिया कनेक्शन। उत्तर प्रदेश सरकार में वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल अपने फोन का बिल नहीं चुका सके, जिसके कारण उनके कार्यालय का लैंडलाइन कनेक्शन काट दिया गया है। लैंडलाइन फोन का कनेक्शन कटने से हड़कंप मच गया। हालांकि वित्त मंत्री के फोन करते ही उनका कनेक्शन फिर से जोड़ दिया गया। ज्यादा नहीं था इनका, शायद 11,000 या 8,000 के करीब था, ऐसा मुझे बताया गया। तो सैटरडे की जानकारी में आया था, तुरंत हमने जुड़वा दिया है। और उसके लिए हमने अपने एक डीजीएम हैं, उनको कहा है कि भाई 3 दिन में इसकी पूरी रिपोर्ट दो, ऐसा क्यों हुआ। जब वो बीआईए के कस्टडी में नहीं आता था, उसको फोन काटा जा सकता नहीं, वही मैंने कहा है उनको जांच करके देंगे वो। और क्या है, जब तक देखो रिपोर्ट नहीं आ जाती तो मैं कमेंट करना ठीक नहीं है। अच्छा, ये बिल कौन पे करता है, क्या बिल में का नहीं, किस कारण ये कटा? जहां पर जैसे विधायक कोटे के हैं या सांसद कोटे के हैं, जैसे विधायक हैं तो ये सचिवालय लखनऊ से होते हैं पेमेंट, और जो सांसद कोटे के हैं वो हमारे दिल्ली से होते हैं। इनका पेमेंट कब से बकाया था? 2-3 महीने से रहा होगा। अभी मैं बताता रहा हूँ थोड़ा इसको डिटेल में, हम डीजीएम हमको रिपोर्ट देंगे उसमें कहाँ लैप्सेज हुए, लैप्सेज हैं या नहीं है। आप मानते हैं कि बड़ी लापरवाही? हाँ, मैं मानता हूँ, तभी तुरंत जुड़वाया मैंने, वैसा नहीं होना चाहिए। क्या हुआ था, वित्त मंत्री जी ने आपको कॉल किया था क्या? हाँ, वित्त मंत्री जी का शाम को कॉल आया था, तो मैंने कहा था ठीक है मेरी जानकारी में आ गया है, मैंने नंबर को तो जुड़वा दिया है, और इसकी मैंने जांच बैठा करके इसकी रिपोर्ट में देखता हूँ ऐसा क्यों हुआ, कौन दोषी है इसमें। 11,000 के आसपास बताया था मुझे, मैं कन्फर्म कर लेता। अरे इसको यो लेखाधिकारी राजस्व है ना, वो उनको बुला रहा हूँ, बाहर ही बैठे हुए, उन्हीं से वही चर्चा कर रहा था जब तक आप आगे, डिटेल ले रहा था मैं। हाँ हाँ, मार्च जनवरी फरवरी का पेमेंट हुआ है। हाँ हाँ, मार्च के बाद से पेमेंट नहीं हुआ। मार्च 17 से 8,700 की ऑप्शन नहीं, 8,000। अच्छा अच्छा अच्छा, 11,000 दूसरे इनकी थी, वो तो उनका है। ठीक है ठीक, हाँ हाँ, उनका पेमेंट हो गया। हाँ, उनका भी कट गया था उसी दिन, सब उसी दिन कटे हैं सैटरडे को ही। मुझे तो सरकारी डिपार्टमेंट बताएगा, मेरे को क्या पता। अच्छा, क्या हुआ था, क्या आउटगोइंग इनकमिंग क्या हुआ था? फोन कटना मतलब कटना होता है, क्या होता है, क्या होता है? अच्छा, उसमें क्या होना, क्या हुआ भाई, फोन कट गया, इसमें कट गया। अच्छा, ठीक, तो ये डिपार्टमेंट सोचे ना। अच्छा, कि बिल सरकार को देना है, सरकार के लोगों को जो है वो बिल प्रेजेंट करना है, सरकार को पेमेंट करना है, तो उन्होंने किस बात पे काटा, जवाब वो देंगे, मैं थोड़ी ना दे पाऊंगा इस बात का जवाब। मेरे जो फोन होते हैं समय से बिल का भुगतान होता है, कभी कोई ऐसा नहीं होता है कि मेरे अपने जो पर्सनल फोन है उनका समय से भुगतान ना हो। अच्छा, मेरे संग आज तक ये समस्या नहीं आई कभी, चाहे वो मोबाइल्स हो चाहे जो है वो लैंडलाइन हो। काफी दिक्कत भी रही होगी बीच में, सरकारी काम में बाधा आई होगी। बहुत सारी बात है, जनता के लिए सारे काम जो है वो हर समय माननीय मंत्री जी लखनऊ रहते हैं, जनता जो है वो यहाँ पे आती है अपने कार्य के लिए, तो हमें उसका जवाब देना होता है। लखनऊ से बात करके जो है जिसकी भी जो समस्या होती है तुरंत माननीय मंत्री जी को बताया जाता है और वो वहां से उसका समाधान करते हैं। ठीक है, आज की तारीख में जो है व्यवस्थाएं लोगों पे रहती हैं तो हमने अपने उससे किया, लेकिन जो सरकारी चीज है उसको जवाब दें कि क्यों करके काटा गया। अच्छा, कितने टाइम तक लगभग ये फोन में काम करना काटा हुआ रहा? अब इतना मैंने घड़ी नोट नहीं करी भाई, नहीं लगभग एक दिन रहा, मैंने कहा ना इतना मैंने घड़ी नोट नहीं करी, एक दो दिन तो करीब काम, हाँ, एक दिन, एक दो दिन तो रहा ही रहा, दो दिन करीब। तो नहीं, इन्होंने पहले फोन काटने से पहले फोन पे कोई कॉल करके बताया नहीं, कुछ नहीं बताया। उस काटने के बाद क्या आपने संपर्क करने की कोशिश की? संपर्क किया तब मालूम पड़ा नॉन पेमेंट में कटा हुआ है। अब आजकल तो ऑटोमेटिक सिस्टम है, कोई कॉल करता है तुरंत जो है वो मालूम पड़ जाता है कि आपका फोन जो है नॉन पेमेंट में कटा हुआ है। अच्छा, ये बीएसएनएल की लापरवाही है, बिल्कुल है, बड़ी लापरवाही है। जी हाँ, जब एक जो है वो जनप्रतिनिधि और उसमें भी सरकार के वित्त मंत्री जैसे महत्वपूर्ण औहदे पे बैठे व्यक्ति के साथ ये हो रहा है, तो अधिकारियों की जो है वो गलत मानसिकता की वजह से सरकार की बदनामी हो रही है। हमारी केंद्र सरकार माननीय जो है वो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के उसमें इतना अच्छा कार्य कर रही है और कुछ लोगों की वजह से सरकार को शर्मिंदगी उठानी पड़ रही है। मैं तो कहूँगा कि ऐसे अधिकारियों के ऊपर कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई होनी चाहिए।